हेलो मिया। जी मम्मा। वाह, पेड़ तो बहुत सुंदर लग रहा है। गुड जॉब। है ना माला। ओह, ये बल्ब ही फट गया। ओह नहीं, आग। जल्दी तोफों को हटाओ मिया। रुको, मैं मैवरिक को लाता हूँ। मैवरिक, तुम्हारी मदद चाहिए और जल्दी। चलो चले। क्रिसमस ट्री तो जलने लगा है, हम क्या करें? मामा, जी मामा। रुको मैक्स, तुम्हारी जरूरत है, आग लगी है। पीछे आओ जल्दी दोस्तों। चिंता मत करो मिया, मैक्स और मैवरिक मदद के लिए आ चुके हैं। जल्दी पाइप का इस्तेमाल करो मैक्स। हो गया। ग्रेट जॉब। कोई बात नहीं मिया, हम नया पेड़ ढूंढ लेंगे, चिंता मत करो। अच्छा आइडिया है मैवरिक। मिया, क्या तुम उड़कर ऊपर से कोई नया पेड़ ढूंढ सकती हो? बढ़िया, चलो ढूंढें। कोई अच्छा पेड़ दिखा? नहीं मामा। ओह हाँ, वो वाला तो बिल्कुल सही है। हम तुम्हें वही मिलते हैं। ये रहा पेड़, कैसा लगा? हाँ, थोड़ा खाली खाली तो है, लेकिन इसे सजाएं कैसे? मिरांडा। वाह, जरा इन डेकोरेशंस को तो देखो, हमारे साथ शेयर करने का शुक्रिया। सही कहा मिया, यहाँ की यही तो खास बात है। तुम्हें साथ में सेलिब्रेट करते देख बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये पेड़ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाँ मिया, अब हम अपने तोहफों को खोल सकते हैं। क्या है वो? एक फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत अच्छे मैवरिक, काम की चीज है। हाँ? हाँ?
हैप्पी हॉलीडेज मॉन्स्टर टाउन, और फिर मिलेंगे दोस्तों। माइक, नए डॉग का काम अच्छा चल रहा है। क्या बात है? अरे नहीं, आग! हमें मदद चाहिए। मैवरिक, मदद करो, आइलैंड पर आग लगी है, जल्दी चलो। वो फैल रही है, माइक फंस गया है, चलो चलें। मैक्स, आइलैंड पर आग लगी है, उसे बुझाने में मदद कर सकते हो? वो देखो, मिया। मिया, तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मैक्स को आइलैंड तक ले जा सकती हो? बढ़िया, बहुत खूब मिया। जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं है। कम ऑन दोस्तों। ओ नहीं, क्विकसैंड। उड़ान भरो मिया। ओह डियर। खींचो मैक्स। बहुत अच्छे दोस्तों। ठीक है, अब चलो उस आग को बुझाते हैं, जल्दी। पाइप यूज करो मैक्स। बहुत बढ़िया मिया।
बाल्टियों से पानी लेके फेंको। तुमने कर दिखाया, आग बुझ गई। Babi Badra. अच्छा काम किया, आइलैंड को बचा लिया। और डॉग भी बढ़िया लग रहा है मैक्स। फिर मिलेंगे दोस्तों। Hey दोस्तों, क्या तुम सॉरी, आराम से काम करो। ओ, तुम सब तो उलझ गए। ये क्या हो गया, शायद मैवरिक को बुलाना चाहिए। हे मैवरिक, लॉन्ग जंप प्रैक्टिस कर रहे हो मॉन्स्टर टाउन ओलंपिक्स के लिए? बढ़िया था, लेकिन क्या तुम माइलो, मिच और मैक्स की मदद कर सकते हो? उनकी रस्सियाँ उलझ गई स्केटल बॉल खेलते हुए। कर सकते हो। बढ़िया, चलो चले। ये पेंट ले जाने का सही तरीका है? वो हमारी मदद कर सकते हो, माइलो मिच और मैक्स अपनी रस्सियों में उलझ गए हैं। शुक्रिया मो। मो, उन्हें नीचे रख दोगे तो अच्छा होगा। मैवरिक और मो आ गए तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हारे पास आइडिया है मो? ठीक है, उसके लिए थोड़ी जगह की जरूरत होगी। ठीक है, मो कुछ कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम ये सब संभाल लोगे?
तुमने कर दिखाया। मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अब तुम लोग क्या करोगे? मैं बॉलिंग खेलने जाओगे? मजेदार लगता है। बाय दोस्तों। हाय माइक, कैसे हो? अच्छे लग रहे हो। क्या करने वाले हो? डिनर बना रहे हो? सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हाय मो, कैसे हो? तुम थके हुए लग रहे हो। तुम्हें आराम करना चाहिए। वो क्या था? शायद हवा होगी। चिंता मत करो माइक, शाम होने वाली है। अंधेरा होने से पहले अपने कॉर्न लेके घर चले जाओ। ओ नहीं, तुम्हारे कॉर्न कहाँ गए माइक? अब तुम क्या करोगे? तुम्हें लगता है कोई और ले गया? ठीक है, तुम यही रुको, मैं मैवरिक को बुलाता हूँ, उसे पता होगा क्या करें। Hey, Marty, क्या चल रहा है? और तुम बताओ मैवरिक? ये तो काफी मजेदार लग रहा है। मार्टी, एक इमरजेंसी है। मैवरिक को जाके वो चेक करना होगा। वो जल्दी आ जाएगा, घबराओ मत। मैलकम, क्या ढूंढ रहे हो? आर्कियोलॉजी सर्च, कुछ मिला? नहीं। काम में रुकावट के लिए माफ करना, पर एक इमरजेंसी है, मदद करोगे? अरे लो, मैवरिक आ गया, वो सब समझा देगा। तो माइक अपने खेत में डिनर की तैयारी कर रहा था और फिर देखा कि उसके कॉर्न्स गायब हो गए जो उसे बनाने थे। मदद करोगे? अरे ठीक है, चलो चले।
कम ऑन माइक, दुखी मत हो, हम तुम्हारे कौन से ढूंढ लेंगे। मैवरिक तुम्हारी मदद के लिए डिटेक्टिव मैल्कम को लाया है। माइक, मैल्कम को ठीक से बताओ क्या हुआ था। माइक रोज की तरह काम कर रहा था और अपने डिनर के लिए कॉर्न इकट्ठे कर रहा था, लेकिन जब बाद में उसने देखा तो सारे कॉर्न गायब हो गए थे। ये तो बड़ी अजीब बात है। माइक, क्या तुम्हारे साथ कोई था जब ये सब हुआ? माइक के हिसाब से तो नहीं, पर उसने मो को यहाँ पहले देखा था। हे मो, मैल्कम को तुमसे कुछ पूछना है। बस एक मिनट। तुम आज कौन फील्ड में क्या कर रहे थे मो? मो कुछ लकड़ी के फट्टे ले रहा था अपनी पुरानी शेड को ठीक करने के लिए, जहाँ वो बचपन में खेलता था। फिर अभी वो ब्लैंक्स कहाँ है? मो उनको लेके बहुत थक गया था, तो उसने आराम करने का सोचा। तब वो प्लैंक्स मिल के पास ही रखे थे। मो पर ऐसे शक करना ठीक नहीं। क्या कोई सबूत है? ये सब शायद मो ने नहीं किया। मैल्कम, हमें और छानबीन करनी होगी। ऐसा मत करो मैल्कम, तुम पता लगा लोगे। देखो कौन ट्रैक्स, चलो उनका पीछा करें। ठीक है दोस्तों, कॉन्स मिल के पीछे तक है, देखे कहाँ ले जाते हैं ये। अरे ये सब क्या है? लगता है तुम्हारे कॉन्स मिल गए माइक, पर ये यहाँ कैसे आए? बिल्कुल, विंड मिल से उड़कर आ गए। मिस्ट्री सॉल्व हो गई दोस्तों। मैल्कम तुमसे माफी मांगना चाहता है मो, तुम पर शक करने के लिए। हमें तो पता ही था ये तुमने नहीं किया। मजे करो दोस्तों, फिर मिलेंगे। हे मो, केबिन तो बढ़िया है, लगभग तैयार है। नहीं, क्या तुम ठीक हो? तुम फंस गए हो? ठीक है, मैं जाके मैवरिक को लाता हूँ। नाइस व्हीली। मो एक केबिन बना रहा था, लेकिन वो कुछ लॉग्स के नीचे फंस गया है। उसकी मदद करोगे? मैवरिक को तुम्हारी मदद चाहिए। मो लकड़ियों का केबिन बना रहा था और वो ढह गया। अब मो फंस गया है, उसे निकालने में मदद कर सकते हो? शुक्रिया माइक। मो,
मदद के लिए मैवरिक और माइक आए हैं। हाँ, अच्छा होगा काम शुरू करें दोस्तों। भारी है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा है ना? बहुत अच्छे दोस्तों, तुमने मो को निकाल लिया। तुम उदास क्यों हो मो? मैवरिक और माइक ने मदद की, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम इसे दोबारा नहीं बनाना चाहते? बिल्कुल ठीक मैवरिक, मो के पास मौका है और भी बेहतर केबिन बनाने का। क्या कहते हो मो? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या हुआ माइक? ओह, तुम्हें लगता है केबिन की फाउंडेशन के लिए थोड़ा खोद लेना चाहिए। अच्छा आइडिया है, इससे ये दोबारा गिरेगा नहीं। ठीक है, तो हो जाए। तुम्हें मिट्टी नहीं पसंद? हाँ, ये हर जगह लग तो जाती है। ये तो हो गया लगता है। अच्छा दिख रहा है। बढ़िया काम किया दोस्तों। सब मजे करो, फिर मिलेंगे।